सो जैसा कि सभी को पता है कि इंडियन एयरफोर्स पे ग्रुप सी पे टाइम टाइम से न्यू वैकेंसीज आती रहती हैं, तो उसी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली कैंडिडेट का डाउट होता है कि भाई हमें ये तो पता नहीं है, यहाँ पे लिखा भी नहीं है कि एडमिट कार्ड इसका किस तरह से आता है, परसेंटेज के बेसिस पर आता है, हम किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो किस तरह से इसका एडमिट कार्ड आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि इंडियन एयरफोर्स पे जो ग्रुप सी वैकेंसी आती है उसका एडमिट कार्ड का क्या क्राइटेरिया होता है और कैसे क्या आपका ये सिस्टम होता है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक बात पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिलिंग में अपने डॉक्यूमेंट्स को सबसे अच्छे से, मतलब की सारी चीज़ें अच्छे से करनी होती हैं, जिसमें आपको दो लिफाफे चाहिए होते हैं। आई बटन पर मैं एक लिंक दे दूँगा, इससे फॉर्म को कैसे फिल करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है स्टेप बाय स्टेप, कौन सा लिफाफा आपको, दो लिफाफे होने चाहिए। वैसे अभी रिसेंट में इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी पे 3 वैकेंसीज चल रही हैं जिनके आप फॉर्म फिल कर सकते हो, और 3 वैकेंसीज में आप जितने जिस सेंटर के लिए फॉर्म फिल करना चाहो कर सकते हो। ये केवल मेंस के लिए नहीं, वुमेंस के लिए भी है, मतलब गर्ल्स भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, लड़के तो अप्लाई कर ही सकते हैं, गर्ल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को सही तरह से फिल करना होता है, और वहाँ पे 10th 12th का मार्कशीट, अपना DOB सर्टिफिकेट, उसके बाद वहाँ पे जैसे आपके पास डोमेसाइल सर्टिफिकेट, उसके लिए SC ST OBC कैटेगरी से तो आपको अपना सर्टिफिकेट उसमें लगाना होता है। उसके बाद उन सभी को एक कागज़ पे फिल करके ऑलरेडी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स सही करके आपको नॉर्मल पोस्ट के थ्रू भेजना होता है। ये नहीं कि स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज दोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, नॉर्मल पोस्ट के थ्रू आपको भेज देना होता है। जैसे ही वहाँ पर पहुँच जाएगा देन आपका लगभग मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट 1 month later मैक्स 1 month later आपको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बाई मेल तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मोस्टली आपका पोस्ट के थ्रू, और जो आप एडमिट कार्ड भेजते हो ना, जो आप अपना फॉर्म भेजते हो उसी में नीचे एक्नॉलेजमेंट लेटर वाला सिस्टम होता है, तो वही चीज़ वहाँ पे निकल के आ जाती है, उसका आपको एडमिट कार्ड लोग वो बना के भेज देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे मैटर करती है। चलो यहाँ पे मतलब अब कौन कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होता है वो चीज़ यहाँ पे आप सभी के दिमाग में आ रही होगी कि भाई ये तो ठीक है, तो चलो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। बेसिकली आपको ये नहीं कि कोई परसेंटेज के बेसिस पे, क्योंकि मैंने देखा 60% वालों का भी एडमिट कार्ड आता है और 80% वालों का भी एडमिट कार्ड आता है। इससे पहले एक क्राइटेरिया आपके साथ में एक बात शेयर करना चाहूँगा। 225 वैकेंसी थी इंडियन एयरफोर्स पे ग्रुप सी की, जिसमें से कैंडिडेट के 67,000 फॉर्म को फिल किया गया था, जिसमें लगभग, मैं एक बात आप सभी को बता देता हूँ, जिसमें कैंडिडेट के थ्रू ये बात पता चली कि अंशु भाई वहाँ पे लगभग 56,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था, 9 से 10,000 फॉर्म को रिजेक्ट किया गया। रीज़न क्या था, उनको अच्छे से फिल नहीं किया गया था, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स में एरर था। वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इफ यू वॉन्ट टू अटेंड अ लाइव फ्री क्लास, आपको इस क्लिप पे नहीं करना। तो डेफिनेटली अनअकैडमी इंडिया मतलब टॉप एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, डेफिनेटली आप सभी वो चीज़ें तो जानती होंगे। तो 100+ फ्री स्पेशल डेली लाइव क्लासेस होती हैं, डेली फ्री टेस्ट मिल जाता है, SSC की भी प्रिपरेशन कराई जाती है, डाउट सेशन आपके होते हैं, आप इन सभी चीज़ों में इनरोल भी कर सकते हो। लाइक अगर आप 12 month का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 month का आपको फ्री में मिल जाता है। तो डेफिनेटली आप अपकमिंग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए आई थिंक बेस्ट होगा, क्योंकि आप 12 month 14 month कर लोगे भाई साहब, यहाँ पे आपका कोई भी बैच कुछ भी आएगा तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, और आप कभी कुछ भी कर लोगे ना तो अनअकैडमी 10 times से खुद टेस्ट कंडक्ट कराता है, जिसमें वो आपको रुपए देते हैं अगर आप उनमें टॉप अप करते हो, आप उनके जो मतलब टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें। तो यहाँ पे देखो आपको टाइम को सेलेक्ट कर लेना, एग्जांपल आप 6 month टाइम सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे एक नीचे कोड का ऑप्शन आएगा, अपना कोड क्या ऑनलाइन डिक्रिप्टिव, और भी कोई प्रिपरेशन करते हैं आप डेफिनेटली उन्हें रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि उन्हें कहीं पे भागना नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली यहीं से आप उनका सारे का सारा चीज़ें कवरअप हो जाएंगी। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना चाहिए। बाकी बाइक करते समय इस कोड का यूज कर लेना, कोई क्वेरी है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गया हूँ तो यहाँ पे आपको मोड ऑफ सिलेक्शन दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा बस उसी को चेक किया जाएगा, ये नहीं कि परसेंट के बेसिस पे, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, और अपना जो प्रीवियस टाइम कैंडिडेट पेपर दे के आ रहे, क्योंकि अभी तक दूसरी वैकेंसी चल रही है और 5 वैकेंसी इंडियन को इस पे एयरफोर्स पे ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए निकल चुके, तो डेफिनेटली इसमें कोई परसेंट के बेसिस पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट नहीं किया जा रहा है। सो देखो सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट्स ही आपका चेक किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स वही आपका 10th का मार्कशीट 12th का मार्कशीट, और उसका जो उसका तरीका है, ठीक है, कि किस तरह से आपने फॉर्म को फिल करके भेजा है वो चीज़ मैटर करती है। अगर आप उस वो सारी चीज़ें सही से फिल करके भेजते हो ना तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, मे बी कभी कभी लेट हो जाता है। जैसे 1515 एक वैकेंसी आई थी ग्रुप सी पे सिविलियन पोस्ट के लिए, और उसके 1 महीने पहले एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो गए थे। कल एक कैंडिडेट का आया
उसने गिव अप कर दिया। अंशु भाई मेरा तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा, कल आया बहुत खुशी था, चंडीगढ़ पे उसका पेपर है, राजस्थान से बिलोंग करता है। तो मेरा कहना ये है, आप सभी में किसी का हो तो बताना, वो पूछ रहा था, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो मेरा कहना ये, आप फॉर्म को फिल कर दीजिए, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आप ग्रुप सी पे फॉर्म फिल कर सकते हो और वहाँ से अपना मतलब एंट्री मार सकते हो। उसके बाद आपको टाइम टाइम से फिर न्यू मौके मिलते रहेंगे, नई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी, आप आगे तैयारी करके आगे बढ़ सकते हो। तो ये IAF पे एंट्री मारने के लिए बेस्ट चांस है। बाकी आपका जो भी डाउट बन रहा हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर इफ यू लाइक इट। और यहाँ पर मैंने आपको सिलेक्शन का शॉर्ट लिस्ट का बता दिया कि आपको डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आप जो चीज़ें वहाँ पे भेजते हो बस वही आपकी शॉर्ट लिस्ट के आते हैं। जैसे स्पीड पोस्ट करना होता है, नहीं करना होता है, नॉर्मल पोस्ट के थ्रू आपको भेजना होता है जिसे आप ऑर्डिनरी पोस्ट बोलते हो, ये सारी चीज़ें मैटर करते हैं। बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट में जरूर बता देना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर करना, पसंद आया तो लाइक कर देना, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जय हिंद।